मोहतरम और मुअज्जज़ दीनी और मिल्ली भाइयों, इकरा द ट्रुथ के ज़रिया आज नमाज से मुतालिक एक तरबियती ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुझे आपके सामने नमाज से मुतालिक दीगर सारी बातों को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करना है। क़ब्ल इसके कि नमाज की कैफियत और नमाज की तफसीलात मैं आपके सामने पेश करूं, दो तीन बातें बतौर तमहीद के आपके सामने बयान करना चाहता हूं, जिनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज का हुक्म क्या है और नमाज की अहमियत क्या है। नमाज ना पढ़ने के ताल्लुक से क्या वईदें और क्या धमकियां कुरान और हदीस में मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि इस मौजू को बहुत तफसील से तो नहीं बयान किया जा सकता है, मगर एक एक दो दो आयतें और हदीसें लेकर के आपके सामने रखना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि आज इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि नमाज के पढ़ने का तरीक़ा बताया जाए। हमारे बहुत सारे अहबाब के जहन में ये बात होती है कि हम ये इतने बड़े हो गए हैं, हमको मकतब में हमारे उस्ताद ने सिखाया है, तो हमको नमाज का तरीक़ा सीखने की क्या ज़रूरत है, हमको आज नमाज का तरीक़ा सिखाने की क्या ज़रूरत, हमको मालूम है। ये मेरे भाइयों एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और एक शैतान का हथकंडा है, जिससे शैतान आपको अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत सीखने से दूर रखना चाहता है। तीसरी बात ये बताना मकसूद है कि अगर आप नमाज का सही तरीक़ा नहीं सीखेंगे और नमाज को अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं करेंगे, तो मेरे भाई आपकी ये नमाज जो आप पढ़ते हो वो बिल्कुल कल अदम होगी, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम नमाज की अहमियत और नमाज ना पढ़ने के ताल्लुक से जो वईदें हैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। हम और आप जानते हैं मेरे भाइयों कि नमाज ये इस्लाम के अरकान खमसा में से दूसरा रुकन है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो हदीस मुत्तफ़क अलैह है, जिसमें इरशाद फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताइ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत। इस्लाम की जो बुनियाद है और इस्लाम की जो इमारत है, ये पांच चीज़ों पर खड़ी की गई है, पांच चीज़ों पर इसको कायम किया गया है। हम और आप इस इमारत में बैठे हुए हैं, ये भी एक इमारत है, ये भी एक बिल्डिंग है। आप देख रहे हो आपके सामने इस इमारत के खम्भे हैं, इन खम्भों की अहमियत अगर इस इमारत से की नस्बत से पूछे तो ये होगा कि अगर ये खम्भे नहीं है तो इमारत नहीं, खम्भों को निकाल दीजिए इमारत का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने इसमें इस्लाम में नमाज की अहमियत को सिखाया है कि इस्लाम की जो इमारत है इन पांच खम्भों पर कायम है, यानी अगर आपके अंदर ये पांच चीज़ें मौजूद नहीं है तो इस्लाम की इमारत गिर जाएगी, ढह जाएगी, वो कायम नहीं रहेगी। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है मेरे भाइयों अल्लाह तबारक तआला की तौहीद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को जानना, उसका इकरार करना, उस पर कायम रहना, और दूसरी बात है नमाज, और तीसरी बात है रोज़ा, और चौथी बात है ज़कात, और पांचवी बात है हज। ये पांच खम्भे हैं, पांच पिलर हैं। जब तक आपके अंदर ये पांच चीज़ें मौजूद नहीं होंगी उस वक्त तक मेरे भाई आप की इस्लाम की इमारत सही तौर से कायम नहीं रह सकती है। और कुरान करीम की आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, एक तो सूरह बकरा की आयत जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है,
یہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے میرے بھائیوں؟ جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی تعریف بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے روزی اور جو ہم نے ان کو دولت دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لہذا متقی کی ایک علامت ہوئی میرے بھائی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، اگر آپ نماز نہیں قائم کرتے ہو تو میرے بھائیوں آپ کو تقویٰ کے زمرے میں نہیں شمار کیا جا سکتا ہے، متقین کے زمرے میں نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس کو میں نے پڑھا کہ الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اہل علم نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی نماز کا چھوڑنا یہ اپنے آپ کو مشرکین کے زمرے میں شامل کرانا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح حدیثیں ہیں کہ جس نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے کچھ سوال کریں گے، کہیں گے قالوا ما سلككم في سقر، اے جہنمیوں تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نك من المصلين، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز چھوڑنے کو اور نماز نہ پڑھنے کو منافقت کی علامت بتائی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین جب نماز میں پڑھتے ہیں تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو نماز میں شامل ہو اور نماز کو آتا ہے تو منافقین سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بتاؤ جو آدمی اتنی سستی کا شکار ہو جائے کہ نماز کے لیے ہی نہ آئے، مسجد میں آئے ہی نہ، نماز پڑھے ہی نہ، نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، سستی سے کھڑے ہونا یہ منافقین کی علامت ہے۔ جو شخص نماز کے لیے آئے ہی نہ میرے بھائی اور نماز پڑھے ہی نہ، اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، منافقین پر جو نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے وہ دو نماز ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس حدیث پر ٹھہر کر غور کیجئے کہ اگر منافقین پر دو نماز بھاری ہوتی ہے اور جو نماز پانچوں، جس شخص پر پانچوں نماز بھاری ہو جائے، فجر بھی بھاری ہو، مغرب بھی بھاری ہو، عشاء بھی بھاری ہو، ظہر بھی بھاری ہو اور جو ہے کہ عصر بھی بھاری ہو، یعنی وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو میرے بھائیوں کیسے مومن رہ سکتا ہے، کیسے ایمان کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ دو نماز کا بھاری ہونا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اگر پانچوں نماز کسی کے لیے بھاری ہو جائیں تو میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور اس موضوع میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اور جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، کہ نماز کو پڑھے بغیر کسی کے لیے چارہ نہیں ہے، نماز قائم کیے بغیر کسی مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا میرے بھائیوں کہ اگر دیکھا جائے علماء اسلام کے تعلق سے، اسلاف کرام کے تعلق سے، تو انہوں نے بے نمازی کے تعلق سے سخت فتوے جاری کیے ہیں۔ آپ خود ائمہ اربعہ میں سے لے لیجئے تو ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں ائمہ ثلاثہ نے قرآن اور حدیث کے نصوص کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔
गर्दन मार दी जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इनकी दलीलें क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दो मुतअद्दिद हदीसें हैं। एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया कि ऐसे ऐसे उमरा आएंगे, ऐसे ऐसे हुक्काम आएंगे जो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। सहाबा इकराम ने पूछा क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम उनको जो है करम के खिलाफ तलवार उठा लें, उनसे लड़ाई करें, उनसे कताल करें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ला मा अकामू फीकुम सलाह, नहीं तुम उनके खिलाफ तलवार मत उठाओ, उनको कत्ल करने की कोशिश मत करो जब तक कि वो नमाज कायम करेंगे। दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में कुछ गुस्ताखी की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप इजाजत दीजिए इसकी गर्दन मार दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला लअल्लहु यकूना युसल्ली, तुम इसकी गर्दन मत मारो क्योंकि ये नमाज पढ़ता होगा, क्योंकि ये नमाज पढ़ता होगा। तो मेरे भाई इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों अइमा सलासा ने इन नुसूस की बुनियाद पर यह फरमाया है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है उसकी शरई सजा यह है, अगर शरई हुकूमत हो और शरई कोर्ट हो तो उसकी सजा यह है कि उसकी गर्दन मार दी जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा यह है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको पकड़ करके, गिरफ्तार करके, कैद करके कैद खाने में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए जब तक कि वो तौबा करके नमाज ना पढ़ने लगे, और अगर तौबा नहीं करता है तो उसको जिंदगी भर कैद खाने में रखा जाए यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाए, मर जाए कैद खाने में उसको डाल दिया जाए। अगर आप गौर से देखो मेरे भाई तो चारों अइम्मा अरबा, चारों अइम्मा के यहाँ बेनमाजी को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। आप समझ सकते हो कि नमाज की जो है क्या नाम है कि नमाज छोड़ने की इतनी कबाहत है। इसीलिए सहाबे किराम के बारे में ताबईन ने नकल किया है कि सहाबे किराम आमाल में से किसी के छोड़ने को कुफ्र नहीं मानते थे सिवाय सलात को। नमाज कोई आदमी छोड़ देता था तो सहाबे किराम इसको कुफ्र शुमार करते थे। आज के ज़माने में गर्चे नमाज छोड़ने का रवाज बहुत ज़्यादा है, 95-90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मगर मेरे भाई याद रखो जो गुनाह है, जो गुनाह है, जो गलती है, वो गलती है चाहे उसके करने वाले कम हों और चाहे उसके करने वाले ज़्यादा हों। नमाज का जो हुक्म नबी सल्लम के ज़माने में था, नमाज की जो अहमियत नबी सल्लम के ज़माने में थी, नमाज छोड़ने की जो धमकियां नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी, आज वही हुक्म और वही अहमियत आज भी है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग छोड़ने लगे तो छोड़ने की गुंजाइश निकल आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बुखारी की वो हदीस हमें याद है और हम सब लोग सुनते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर कहा जब जमात खड़ी करने का वक्त आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल कहता है कि मैं नौजवानों को हुक्म दूं कि वो लकड़ियां जमा करें और किसी एक आदमी को कहो कि वो नमाज पढ़ाए, मेरी जगह पर इमामत कराए, और मैं कुछ नौजवानों को लेकर के जाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो लोग जमात में हाजिर नहीं होते हैं। मगर बाद रिवायात में नबी अलैहिस्सलाम से सराहत मनकूल है कि चूंकि मुझे डर है कि घरों में औरतें और बच्चे होते हैं, औरतों पर जमात फर्ज नहीं है, बच्चों पर जमात फर्ज नहीं है, छोटे बच्चे हैं, अगर आग लगाऊंगा तो वो भी जल जाएंगे, इसलिए मैं ये अमल नहीं करता हूं, वरना दिल तो ये कहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं। मेरे भाइयों, बुखारी की हदीस है। कहां से गुंजाइश निकल जाती है नमाज छोड़ने की, कहां से गुंजाइश निकल जाती है जमात छोड़ने की, कहां से जो गुंजाइश निकल जाती है नमाज से गफलत बरतने की? तो मेरे भाई, किसी भी मुसलमान के लिए जो आदमी सच्चा और सही मोमिन है, सही मुसलमान है और जन्नत का हुसूल चाहता है, जन्नत का मुस्तहिक बनना चाहता है, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि वो नमाज को छोड़ दे। ये मेरे मौजू को में से एक तमहीद के तौर पर कुछ बातें मैंने नमाज की अहमियत के ताल्लुक से रखना चाहा।